साथियों, आप लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में सुना होगा और देखा होगा। इसमें जो है अक्सर बताया जाता है कि इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही है इतने परसेंटेज से, या जो है इसमें जो है रिसेशनरी कंडीशन आ रही है, डाउनफॉल हो रहा है। ये इंडेक्स के ही बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आखिर ये है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से हम जो है देखेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को जो है जल्दी से करेंगे। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स नाम का, इस पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, बी कॉम एम ए इन इकोनॉमिक्स एंड बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि बी एड जो है अभी परस्यूंग ही है मेरा। और वैसे तो लिंक सारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम वगैरह की, और इंस्टाग्राम पे भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है एक इंडेक्स है जो पूरी इंडस्ट्री का जो है ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है, यानी कि एक इंडस्ट्री में और भी कई सारे जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, जिसमें विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज इसमें जो है शामिल होती हैं, और एक इंडेक्स आता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। जनरली इसको हर मंथली जो है इसको रिलीज़ किया जाता है, वही है हमारा IIP। इसको जो है CSO द्वारा बनाया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत काम करती है, MoSPI के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये कंपोजिट इंडिकेटर है जो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री को जो है दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करता है, एक तो पहला ब्रॉड सेक्टर से और दूसरा यूज़ बेस्ड सेक्टर से। तो ब्रॉड सेक्टर में इन्होंने माइनिंग डाल रखा है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन विनिर्माण और बिजली को डाल रखा है, और बचे हुए यूज़ बेस्ड सेक्टर में बेसिक गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं और इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ये तो इसका हो गया इंडेक्स का क्लासिफिकेशन। दो क्लासिफिकेशन है, एक ब्रॉड सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है जिसमें तीन चीज़ें हैं, और एक यूज़ बेस्ड सेक्टर्स को जिसमें जो है गुड्स को, बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड योर इंटरमीडिएट गुड्स। इस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। पहले इसका इंडेक्स जो है 2004-05 था, जो कि बदल दिया गया है। और इस इंडेक्स में जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हमारी होती हैं उसका वेटेज सबसे अधिक है, लगभग 40%, टू बी स्पेसिफिक 40.27% जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो वेटेज है इस इंडेक्स में, यानी कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है इसका वेटेज सबसे अधिक है। इसके अलावा भी और भी इंडस्ट्रीज होती हैं, बचा हुआ वेटेज उन इंडस्ट्रीज को जाता है। तो इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज में हम देख लें क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, क्रूड ऑयल है, कोल है, सीमेंट है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर है। इसी को जो है हम अभी सीखेंगे कि कैसे इन 8 कोर इंडस्ट्रीज को जो है आसान तरीके से याद किया जाए। एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस स्टेटिस्टिक्स डिवीजन, उसने ये रिकमेंड किया था कि इस इंडेक्स में जो है क्वारिंग को डाला जाए, गैस स्टीम, एयर कंडीशनिंग, सीवरेज, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को भी जो है जोड़ा जाए। पर भारत में ये संभव नहीं हो पाया, इसलिए संभव नहीं हो पाया कि मंथली बेसिस पर इन सारे जो सेक्टर्स का डेटा है वो अनअवेलेबल है या जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसलिए अभी के लिए फिलहाल इसमें जो है ब्रॉड सेक्टर्स में माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग ही इंक्लूड किया गया है। अब इस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, IIP जो है बताता है भौतिक उत्पादन का, फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। देश में जो भौतिक उत्पादन होता है गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, सिर्फ गुड्स का, चीज़ों का सेकेंडरी सेक्टर द्वारा देश में, वो ये बताता है। इट इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और विभिन्न विभिन्न जो संस्थाएं हैं इस इंडेक्स का यूज़ करती हैं। और उसका यूज़ किस लिए करती हैं, एस्टीमेट्स निकालने के लिए, GDP एस्टीमेट्स निकालने के लिए, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, इन सारी चीज़ों में जो है IIP का यूज़ होता है। अगर देश में जो है रिसेशनी कंडीशंस आने वाले समय में आ रही हैं तो ये इंडेक्स एक तरह से उसको दर्शाता है। अब जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं और उसका जो वेटेज है वो हम देखेंगे और याद करेंगे, बहुत आसान ट्रिक्स है। इसमें इंडस्ट्रीज़ में आपको पता है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है निम्न में से कौन सा 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में नहीं है, 3 सही और 1 गलत। तो इसके लिए हमको ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो है पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये भी है इसमें कि जो इसका हाईएस्ट वेटेज है 8 कोर इंडस्ट्रीज में वो किसके पास है, तो वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट, और जो लोवेस्ट है वो है फर्टिलाइजर के पास। तो इसके जो फर्स्ट अल्फाबेट है बस उसी से हमारी ट्रिक बन जाएगी,
यानी कि ये सी फॉर कोल एंड सी फॉर क्रूड ऑयल एंड देन सी फॉर सीमेंट, और बचे हुए तीन हो गए, तो बचे हुए पांच के लिए एफ, ये ट्रिपल सी हैं, ये एक फ्रेंड्स हैं, और इनकी फ्रेंड्स की ट्रिक जो है एफ फॉर फर्टिलाइजर, आर फॉर रिफाइनरी, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हेयर इलेक्ट्रिसिटी, देन एन फॉर नेचुरल गैस, देन एस फॉर स्टील। ये एक सिंपल सी ट्रिक है, इसी के तहत जो है आप ये एट कोर इंडस्ट्रीज को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ट्रिपल सी फ्रेंड्स, और इसको जो है अपने इंडस्ट्री वाले नोट्स में कहीं भी जो जाके ऐड कर लीजिए, एट कोर इंडस्ट्री। इसमें जो हाईएस्ट वेटेज है वो किसके पास है ये हम याद रखेंगे, लोएस्ट वेटेज है वो किसके पास है याद रखेंगे। फिर कुछ फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं इंडस्ट्री से ही रिलेटेड। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन, आयरन ओर से जो है स्पंज आयरन बनता है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब 2002 से ही जो है इंडिया लगातार जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। फिर ये एक फैक्ट है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, क्रूड स्टील में जो है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया में जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टील जो है प्रोड्यूस की जाती है दुनिया में, और इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं उसमें है जैसे टाटा स्टील, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, JWS ग्रुप, इसमें जो है जिंदल स्टील वाले थे इसमें, और हमारा अपना जो है PSU है, महारत्न सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो है एस्टैब्लिश ईयर जो है आप कमेंट करके बताइएगा क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया। फिर एक क्वेश्चन है इंडस्ट्री से ही रिलेटेड, स्टील जो प्लांट्स जो थे फर्स्ट ईयर 5 में जो है एस्टैब्लिश किए गए थे उससे रिलेटेड है। इसमें जो है बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, वो कन्फ्यूजन जो है दूर भगाने का काम इस स्लाइड में हम लोग करें। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी कि जो स्टील प्लांट से ये दूसरे देशों की सहायता से बने थे जिसमें रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, तो दुर्गापुर है, बोकारो है और रौरकेला है। तो दुर्गापुर को जो है याद करने का सिंपल सा तरीका है, दुर्गापुर जो स्थान जो है वेस्ट बंगाल में आप सबको पता होगा, दुर्गा जो दुर्गा पूजा होती है, इस समय नवरात्रि भी चल रही है, जो मेजर फेस्टिवल है वो वेस्ट बंगाल का है, दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि, तो ये वेस्ट बंगाल में जगह है। और जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे पहले अपनी जो है जो साम्राज्य की जो उन्होंने नींव रखी थी वो कहाँ रखी थी, वो आप सबको पता है कोलकाता में, तो इसमें जो है हेल्प की थी यूनाइटेड किंगडम ने, UK ने। तो पहला तो हमारा ये सॉल्व हो गया दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम, ए में बी, तो यहाँ बी है और यहाँ बी है। फिर जो बोकारो है उसको जो है रशिया ने सहायता की थी और रौरकेला ने जर्मनी में, यानी आंसर होगा हमारा बी देन ए देन सी, बी देन ए देन सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसको याद करने का भी जो है और जो है थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं, सोल्यूशन है यहाँ पे, द रौरकेला स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन 1959 उड़ीसा में। देखिए रौरकेला उड़ीसा में, ये कैसे याद रखेंगे आप, क्योंकि भिल्लई भी है यहाँ पे, बोकारो हो गया और दुर्गापुर हो गया और रौरकेला हो गया, एक भिल्लई यहाँ पे जो है बचा जा रहा है, हमेशा क्वेश्चन इन्हीं चारों का आता है। तो रौरकेला की आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए एक बार, RORKELA, और जो ये कहाँ है उड़ीसा में है, उड़ीसा, इसकी सहायता से जर्मनी की सहायता से, इसको आप ऐसे टेबल बना के एक जगह लिख दीजिए तब भी नहीं भूलेंगे। देखिए OR और OR, OR और OR यहाँ पे जो कॉमन है, तो इस तरह से आप याद रख लीजिए कि ये उड़ीसा का है। दुर्गापुर का मैंने आपको बता दिया जो है कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा वेस्ट बंगाल में, और फिर ये बोकारो वाला जो है रशिया का, रशिया के कोलैबोरेशन से, बोकारो जो है छत्तीसगढ़ में है, इस स्लाइड में जो है बोकारो का जिक्र है। बोकारो वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान व्हाइल स्टील प्लांट्स वर एट सालेम में, बाद में बने, आने वाले समय में विजयनगर में, विशाखापट्टनम में, ये सारे जो है 4th 5 ईयर प्लान में बने, इनसे क्वेश्चन नहीं आता। भिल्लई जो है एक स्टील प्लांट है जो झारखंड में है विद द हेल्प ऑफ USSR। अब इसको याद करने का और एक तरीका आप जो है देख लीजिए, ये दो स्टील प्लांट है, एक तो भिल्लई हो गया और बोकारो हो गया, चीज़ें जो है अपने आप आसान हो गई। दो स्टील प्लांट हैं, दोनों का नाम बी से है, दोनों किसकी सहायता से, रशिया यानी कि USSR से। अब भिल्लई वाला झारखंड में, ये आप याद कर लीजिए, बोकारो वाला छत्तीसगढ़ में।
इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर UPPGT इकोनॉमिक्स का जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका, उसका जो है टेस्ट सीरीज़ जो है बना लिया गया है, तैयार कर लिया गया है। और टेस्ट सीरीज़ जो है आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए या जो मॉडल पेपर अवेलेबल हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, उस पर आप देखेंगे कि उसमें जो है सारा कुछ सोल्यूशन ग्राफ्स और जो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो सारा जो है नीचे सोल्यूशन पार्ट में दिया गया है। इस टेस्ट में 8 फुल टेस्ट हैं और 3 सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके बारे में जो है आने वाले समय में एक वीडियो आएगी, उसमें जो है और डिटेल में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।